नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। आखिरकार बीजेपी ने सरकार महाराष्ट्र में बना ही ली। राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। महाराष्ट्र में यह बात एक बार फिर सच साबित हुई। बीजेपी ने शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी के इस अजीत दाव की कुर्सी के लिए एक महीने तक दौड़ धूप कर रही शिवसेना को भनक तक नहीं लगी। उधर राज्यपाल ने सुबह सुबह शनिवार को देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और उसके बाद अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इससे पहले शरद पवार का कहना था कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शनिवार को करीब 8 बजे राज्यपाल किशोरी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और इसके बाद अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों नेता मिलकर एक स्थिर सरकार बनाएंगे। उधर फडणवीस ने शपथ लेते ही कहा कि महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है और हम राज्य को एक स्थिर सरकार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र को एक खिचड़ी सरकार की ज़रूरत नहीं है। शिवसेना ने जनादेश का निरादर किया, इसलिए हमें यह सख्त कदम उठाना पड़ा। उसके बाद अजीत पवार ने उधर शपथ लेते ही कहा कि किसानों की समस्या हमारे लिए प्रमुख है। महाराष्ट्र कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें किसानों की समस्या भी शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। उधर महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है, इसलिए हमने एक स्थिर सरकार बना ली है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह किशोरी ने दोनों सरकारों को 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने का वक्त दिया था। इससे पहले भी 2014 में बीजेपी ने एनसीपी के समर्थन में सरकार बनाई थी। बाद में हालांकि शिवसेना भी बीजेपी में शामिल हो गई थी और सरकार बना ली गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आ गए थे और बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी मिली थी, लेकिन शिवसेना के सीएम पद पर अड़े रहने की वजह से सरकार में तकरार आ गई थी। बीजेपी ने 105 सीटों से जीत हासिल की थी और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एनसीपी ने 54 सीट और कांग्रेस ने 44 सीटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी के सरकार बनाने से कदम खींचने के बाद से ही राज्यपाल ने शिवसेना और एनसीपी के गठन को मौका दिया था। इसके बाद 9 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। पिछले एक हफ्ते से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों सरकार बनाने की चर्चा कर ही रहे थे कि शनिवार सुबह महाराष्ट्र की राजनीति ने नई करवट ले ली। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारे पेज को, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।